नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैंपस वाले यूट्यूबर में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हाजिर हो गया हूँ सही और सटीक जानकारी को लेकर अपना नया वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मारुति सुजुकी गुड़गांव प्लांट में जॉब कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपके यूज़फुल होगी आप तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने स्टाफ कार्ड का वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर कैसा स्टाफ कार्ड मिलता है, या उसमें क्या क्या लिखा होता है, या क्या प्रोसेस होती है, कैसे पंच करना जाता है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। आज मैं आपको अपने पंच कार्ड का सारा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा आईडी कार्ड आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों केवल आपको जो आधार की तरह जैसे पीवीसी आधार होता है वैसा ही मिल जाता हुआ लिखा हुआ। बाकी जो अलग से इसमें डोरी लगी हुई है, इसको आपको बाहर से ख़रीदना पड़ता है और इसमें लगाना होता है। दोस्तों, यही स्टाफ कार्ड ही आपका पंचिंग कार्ड हो जाता है। आपको कैंटीन में भी इसी को यूज़ करना होता है। आप पंचिंग मशीन के सामने इसको शो करते हैं, जैसे आप एटीएम से पेमेंट करते हैं वैसे शो करते हैं, तो आपका पंच हो जाता है। और यही आपका गेट एंट्री पास भी हो जाता है, और अपने डिपार्टमेंट की पास लगी पंचिंग मशीन में भी आप इसी से पंच करते हैं तो आपकी टाइमिंग पंच हो जाती है आने और जाने की। तो दोस्तों, आपको अभी पूरी जानकारी दे देता हूँ, वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो कार्ड होता है वो आपको आधार जैसे पीवीसी आधार होता है ऐसा मिलता है आपको। उसको आपको बाद में ये डोरी वगैरह लगानी होती है। इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ। जैसे सामने लिखा हुआ है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुरुग्राम, पिन कोड लिखा हुआ है, कंट्रोल रूम का नंबर लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है टेम्प्रेरी वर्कमैन। दोस्तों, इसमें मैंने अपना फेस अभी कवर किया हुआ है। एक फिक्स टारगेट है, जो टारगेट अचीव करने के बाद मैं अपना फेस रिवील कर दूँगा। आप नाम देख सकते हैं दोस्तों, शिव वर्मा नाम पड़ा हुआ है। और कब तक वैलिड है, 8/7/2022 तक वैलिड है। स्टाफ नंबर आप देख सकते हैं मेरा, डिपार्टमेंट EMRG, और लोकेशन गुड़गांव की दी है दोस्तों। और ये पूरा है जो ऊपर से लगा हुआ है दोस्तों, वो अलग से मैंने लिया हुआ है। ये जो पट्टी है इसको मैंने अलग से लेके इस पे लगाया हुआ है, जिससे देखने में भी अच्छा लगता है दोस्तों, खोता भी नहीं है। दोस्तों, बाकी इसमें क्या डिटेल्स लिखी होती हैं पीछे आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ इशू लिखी होती है, यानी किस दिन ये इशू हुआ था, और क्या डेट ऑफ बर्थ है वो लिखी होती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी लिखी हुई होती है, कब आपने ज्वाइन किया, और ब्लड ग्रुप लिखा हुआ होता है। ब्लड ग्रुप दोस्तों अगर आपका नहीं होता है, आप नहीं देते हैं, फिर भी कोई ना कोई ब्लड ग्रुप ये लोग लिख देते हैं। वैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये ब्लड ग्रुप क्यों लिखा हुआ होता है, तो उसके लिए आपको बता दूं दोस्तों, ये आपके आइडेंटिफिकेशन का तो मार्क है ही। वैसे भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो पता चल जाता है, समय पर ही आपको ब्लड मिल जाता है, कोई जाँच करने की जरूरत नहीं है, पहले से जिसकी व्यवस्था की जा सकती है। इमरजेंसी फ़ोन नंबर दिया हुआ है, जो उसमें आप दे सकते हैं घर के किसी का नंबर या अपना नंबर दे सकते हैं, और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, और ये साइन आपका। इंस्ट्रक्शंस दोस्तों नीचे दिए गए हैं, प्लीज़ शो योर कार्ड एट रजिस्टर्ड फिंगर प्रिंट फॉर अटेंडेंस। मतलब पंचिंग मशीन पर आप अपनी रजिस्टर्ड फिंगर और कार्ड को दिखा के पंच कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग और अपने एंट्री ले सकते हैं। इन केस ऑफ लॉस प्लीज़ इन्फॉर्म विजिलेंस डिपार्टमेंट इन राइटिंग। मतलब यदि आपका खोता है तो विजिलेंस डिपार्टमेंट में आपको एक एप्लीकेशन इन रिटन आपको देना है राइटिंग में। दिस कार्ड शुड बी डिस्प्लेड एट द टाइम ऑफ एंट्री एग्जिट, यानी इस कार्ड को आप एंट्री और एग्जिट के समय भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मैंने अपना पूरा जो मेरी किट मिली हुई है, मुझे कैप, शूज़ और जो जैकेट मिली हुई है, वर्दी मिली हुई, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आई बटन में भी इसी समय लिंक है, आप देख लीजिएगा। अभी आई बटन में आया है, क्लिक करके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। और दोस्तों, कैंटीन का भी आज मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बहुत अच्छा खाना है इस कैंटीन का। और दोस्तों, जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है मारुति सुजुकी TW से रिलेटेड, जो भी क्वेरीज हैं आप ज़रूर से कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। आप सब हमारे साथ मेरा सहयोग कीजिए ताकि हम इस चैनल को बहुत आगे ले जा सकें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, पूरे दिन ड्यूटी करो, उसके बाद वीडियोज़ वगैरह बनाओ। आपसे यही आशा करता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।